रियलिटी शो बिग बॉस 17 में हर दिन खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद अब घर में कैप्टनसी टास्क होगा, जिसमें घर वाले एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगे। इस टास्क के दौरान संचालक अंकिता लोखंडे होंगी, जिन पर नील भट्ट सहित अन्य घर वाले चीटिंग करने का आरोप लगाते नजर आएंगे। उधर मुनव्वर फारूकी पर फैसला लेने की जिम्मेदारी होगी। आइए जानते हैं कि आज के एपिसोड में घर में क्या बवाल होने वाला है। गुरुवार के एपिसोड में दिखाया गया कि बिग बॉस घर वालों को बताते हैं कि जिस टीम से ज्यादा सेब के बॉक्स अप्रूव होंगे, उसी टीम में से कोई अगला कैप्टन बन जाएगा। इस टास्क के लिए घर के अंदर सेब का पेड़ लगाया गया, जिस पर लाल लाल सेब लटक रहे हैं। बिग बॉस के अनाउंसमेंट के बाद सभी कंटेस्टेंट ज्यादा से ज्यादा सेब बटोरने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। इस दौरान अभिषेक और समर्थ के बीच धक्का मुक्की करने को लेकर झगड़ा भी होने लगता है। एक टीम की संचालक ऐश्वर्या सभी सेबों को रिजेक्ट कर देती है। ये देखकर विक्की जैन अपनी बीवी के कान भर देते हैं, वो भी दूसरी टीम के सेबों को रिजेक्ट कर दे। इसके बाद अंकिता ठीक वैसे ही करती है जैसे उनके पति ने उनको समझाया था। जब अंकिता बिना वजह सेबों को रिजेक्ट करने लगती है तो टीम भड़क जाती है। नील भट्ट चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं कि अंकिता ने चीटिंग की है। अभिषेक बोलते हैं कि कभी तो सच्ची बनो, हर जगह झूठ बोलना आता है। इसके बाद बिग बॉस मुनव्वर फारूकी से पूछते हैं कि किस टीम के पास अप्रूव्ड बॉक्स ज्यादा है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि मुनव्वर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन खबरों के अनुसार ईशा मालविया इस घर की नई कैप्टन बन चुकी है।